गुड मॉर्निंग आज हम लोग क्लास सेवन का एक चैप्टर ले रहे हैं लिटरेचर बुक का और ये एक पोएम है द फॉग तो चैप्टर वन ही है ये फर्स्ट वाला चैप्टर है इस पोएम को लिखा था विलियम हेनरी डेविस ने जिनका जन्म इसमें इसमें ऑथर का इंट्रोडक्शन भी दिया है उनका जन्म वो वेल्स मतलब इंग्लैंड में हुआ था नाइनटीन सेंचुरी में ही वाज ऑनली थ्री ईयर्स ओल्ड वैन हिज फादर डाइड

एंड फॉग से कैसे अंधेरा हो जाता है और किस तरह से वो वापस अपने घर आता है ये एक पोएम के थ्रू बताया उसने सो द फॉग विच मेक्स एवरी थिंग हेजी एंड डिम तो एकदम धुंधला धुंधला दिखता है फॉग के कारण ये सब इसमें है रीड द पोएम एंड एट होम एंड डू द एक्टिविटीज आई सा दॉग ग्रो थे विच सुन मेड ब्लाइंड माई कैन कैन का मतलब होता है मतलब उसकी साइट या अवेयरनेस यहाँ पे मीनिंग दिया है तो जो फॉग जो है वो ग्रो धीरे धीरे बढ़ रहा है और थिक हो गया मतलब बहुत ज़्यादा हो गया वी वि सुन मेड ब्लाइंड माई कैन उसकी आईसाइट मतलब ब्लाइंड हो गई मतलब वो देख नहीं पा रहा है इट मेड टॉल मैनस और बॉयस एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन तो जो बॉयज थे वो बड़े बड़े आदमी दिख रहे हैं फॉग के कारण और जो टॉल मैन थे वो बड़े बड़े राक्षस जैसे जॉइंट्स दिख रहे हैं बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं इट क्लस माई थ्रॉड आई कफ्ट तो उसने उस फॉग ने उसको मतलब जकड़ लिया उसका थ्रोट को मतलब गर्दन को और उसको खांसी आने लगी है नथिंग वॉज इन माई हेड एक्सेप्ट टू हैवी आइज विच लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड उसके हेड में मतलब कुछ नहीं था मतलब कुछ भी उसको सूझ नहीं रहा था क्या करना है काली दो आइज जो थी वो हैवी हो गई थी और वो ऐसा लग रहा था कि जल रही थी ओके okay? एंड वैन इट ग्रू सो ब्लैक दैट आई कुड नो नो प्लेस आई लॉस्ट ऑल जजमेंट दैन ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस और थोड़ी देर में यह और बढ़ता 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 एकदम काला सा हो गया था मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कोई जगह नहीं दिख रही थी आई लॉस्ट ऑल जजमेंट मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है डिस्टिश समझ में नहीं आ रही थी कहाँ पर कौन सी चीज़ है और कहाँ पर कितनी जगह है कुछ समझ में नहीं आ रहा था द स्ट्रीट लैम्प एंड द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार्स कुड आइदर बी ऑन अर्थ और बी दिल्ली स्टार्स जो स्ट्रीट लाइट्स लैम्प और लाइट जो थी और जो कार की लाइट्स जो थी वो सब ऐसे लग रहा था कि वो अर्थ के ऊपर में है या कि स्टार्स की लाइट्स दिख रही है सब कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था मतलब ये वो लाइट्स जो आ रही है वो तारों की तारों की लाइट है कि कार की लाइट है कि स्ट्रीट लाइट है कुछ समझ में नहीं आ रहा था ए मै ए मैन पास बाय पास बाय मी क्लोज आई आस माय वे ही सेड कम फॉलो मी माय फ्रेंड आई फॉलोड वेयर ही लेड और थोड़ी देर में एक एक मैन जो था उसके पास से गया तो उसने उसको रोक के रास्ता पूछा तो बोला चलो मेरे साथ चलो मेरे फ्रेंड मैं आपको मेरे मेरे पीछे पीछे आ जाऊँ तो उसके पीछे पीछे चला गया ही रे द स्टोन इन फ्रंट ट्रस्ट मी ही सैड एंड कम आई फॉलोड लाइक ए चाइल्ड एंड ए ब्लाइंड मैन लेड मी होम ही ऑफ द स्टोन मतलब वो पत्थरों से उसको ठोकर खा रहा था पत्थर से मतलब उसके पैर लग रहे थे फिर भी बोला था ट्रस्ट मी ही सैड मेरे पीछे पीछे पीच आ जाओ आई फॉलोड लाइक ए चाइल्ड वो उसके बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे जा रहा था ए ब्लाइंड मैन मी होम तो वो एक्चुअली ब्लाइंड मैन था जो उसको रास्ता दिखाते दिखाते अपने उसके घर तक लेके गया था तो ये पोइम थी तो लास्ट का एंडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा कि ब्लाइंड मैन ने उसको घर छोड़ा उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था तो इसी क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो